कंफ्यूजन का दूसरा नाम मोटो G73 और G72 दोनों ही बहुत अच्छे फोन है 20,000 के नीचे, पर बेटर कौन सा है? आओ देखते हैं सबसे पहले डिस्प्ले से शुरू करके। G72 की डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है, बिल्कुल थोड़ी सी। दोनों का रेजोल्यूशन सेम है, रिफ्रेश रेट भी सेम है, 120 हर्ट्ज का है, तो स्मूथनेस के मामले में तो कोई कमी नहीं है दोनों में। और HDR के शौकीन के लिए दोनों ही फोन में HDR10+ का सपोर्ट है। लेकिन G72 की डिस्प्ले बेटर है, दो कारण है इसके। पहला कि G72 की डिस्प्ले POLED है तो उसमें कलर्स और अच्छे से निकल के आएंगे, लेकिन G73 की डिस्प्ले है LCD तो वो भी ठीक है, लेकिन G72 बेटर है। और G72 की डिस्प्ले 10 बिट भी है, मतलब वो ज्यादा कलर्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। G73 की नॉर्मल 8 बिट की डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के मामले में तो G72 सीधा सीधा विनर है। दोनों फोन के डब्बे में मिलता है सबसे पहले तो एक प्लास्टिक का केस, 50-60 रुपए के वो कवर नहीं आते मार्केट में प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट वाले जो 2 महीने बाद पीले हो जाते हैं, वही वाला है। और दोनों डब्बों के साथ चार्जर भी मिलते हैं, G73 के साथ 30 वॉट्स का और G72 के साथ 33 वॉट्स का, तो 3 वॉट से तेज है G72 का चार्जर, प्रैक्टिकली कोई फर्क पता नहीं चलेगा। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 3 वॉट की पावर है ना, उस पावर का आप यूज कर सकते हो सब्सक्राइब करने में। अब दोनों फोन्स के अंदर ही बतेरी चीजें हैं जो सेम है, जैसे कि दोनों की बैक प्लास्टिक की है, यही मिलता है इस रेट में। ग्लास बैक कमी मिलती है 20,000 के नीचे। दोनों के अंदर IP52 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है जो ठीक ठाक है, थोड़े बहुत छींटे संभाल लेंगे दोनों फोन ही, लेकिन इनको लेके तालाब में मत उतर जाना। लेकिन फर्क भी है, जैसे G72 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मॉडर्न फील है, वहीं G73 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। क्योंकि IPS LCD डिस्प्ले है तो इन डिस्प्ले तो हो भी नहीं सकता था। और G72 में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है फ्रंट में, G73 के अंदर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन है। लेकिन गोरिल्ला ग्लास 3 और पांडा ग्लास दोनों ओके मजबूत है और सेम प्रोटेक्शन ही ऑफर करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि भाई दोनों के अंदर ही हेडफोन जैक भी है और ड्यूअल स्पीकर्स भी हैं। यहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं करी इन्होंने कम से कम। 5G बैंड्स में G73 के अंदर 13 बैंड्स है 5G के और G72 के अंदर एक भी बैंड नहीं है, क्योंकि वो 4G फोन है। वैसे 5G आने के बाद भी ज्यादातर लोग 4G यूज कर रहे हैं, तो आज भी एक 4G फोन लेना कोई गलत डिसीजन नहीं होगा। और दोनों में ही हाइब्रिड सिम स्लॉट है, बढ़िया है कि यूजर को ऑप्शन दे दिया, या तो 2 सिम लगा लो या फिर 1 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। स्टोरेज टाइप और रैम टाइप दोनों की सेम ही है और ठीक भी है प्राइस के हिसाब से दोनों की। अब 20,000 का फोन लोगे तो थोड़ी बहुत गेमिंग वेमिंग तो हो ही जाएगी, तो उसके लिए प्रोसेसर का अच्छा होना भी तो जरूरी है। G73 के अंदर है Dimensity 930 जो इसकी प्राइस को देखते हुए डिसेंट प्रोसेसर है, एकदम बेस्ट नहीं है। और G72 के अंदर है Helio G99 जो Dimensity 930 से कम पावरफुल है, तो डे टू डे परफॉर्मेंस से लेकर PUBG के हेडशॉट्स तक Dimensity 930 बेटर परफॉर्म करेगा। मोटो अपने यूजर इंटरफेस के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन फिर भी दोनों फोन्स के साथ ही सिर्फ 1 साल की ईयरली OS अपडेट मिलेगी। अब G73 में तो आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 मिलता है, तो उसका तो सही है, वो Android 14 तक चला जाएगा। लेकिन G72 के अंदर मिला था Android 12, तो उसको एक ही अपडेट मिलेगी, तो Android 13 तक मैक्सिमम जाएगा वो। ये दिक्कत है G72 के अंदर। दोनों फोन्स के साथ ही कम से कम 3 साल की ईयरली OS अपडेट तो मिल जानी चाहिए थी यार, पर दोनों में ही ब्लोटवेयर काफी कम है और ओवरऑल काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है भाई मोटो की UI का। और सिक्योरिटी पैचेस भी दोनों के साथ 3-3 साल के मिलेंगे और बैटरी लाइफ भी दोनों के अंदर बहुत ही बढ़िया मिलेगी, क्योंकि दोनों के अंदर ही 5000 mAh की बैटरी है और दोनों चार्ज भी ठीक ठाक स्पीड से हो जाते हैं। प्राइस के हिसाब से तो बढ़िया अडाप्टर मिला है। कैमरास में दोनों के अंदर ही 2-2 कैमरे हैं। हाँ, माना कि G72 के अंदर 3 कैमरे हैं, पर उसमें भी काम के सिर्फ 2 ही है। G73 का मेन लेंस है 50 MP का और G72 का मेन लेंस है 108 MP का, पर G73 का मेन लेंस बेटर है। वैसे दोनों फोन में से किसी में भी OIS नहीं है, सिर्फ EIS है। OIS होता तो थोड़ी और खुशी हो जाती। दूसरा लेंस दोनों के अंदर ही है 8 MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा लेंस G72 के अंदर ही है सिर्फ 2 MP का मैक्रो, पता नहीं क्यों। और फ्रंट कैमरा दोनों के अंदर ही है 16 MP का। अब इतनी बड़ी चर्चा के बाद फाइनली देख लेते हैं कि कौन से फोन में क्या क्या बेटर है। तो ताजा लॉन्च हुआ G73 हमें क्या क्या बेटर दे रहा है। सबसे पहले तो एक 5G फोन है और दूसरी चीज कि इसके अंदर प्रोसेसर भी बेटर है। और 5-6 महीने पहले लॉन्च हुआ G72 हमें क्या बेटर दे रहा है, डिस्प्ले। बाकी अगर यहां तक पहुंच ही गए हो तो लाइक करके जाना, मिलते हैं अगली वाली में।